नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो फिरनी। इसको मैंने मैंगो को ये दो केसर केरी आम लिए मैंने, ये इसमें के दो इतने बड़े आम, ये दो आम लिए। इसका मैंने पल्प निकाल के रखा है, थोड़ा सा गार्निश के लिए इसके पीसेस रखे हैं, और ये 100 ग्राम के करीब बासमती चावल है। आप चाहे तो कोई से भी चावल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बासमती लिए क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी आती है, तो वो जो खीर या अपन जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैंने 100 ग्राम के करीब लिया है क्योंकि मैंने ये 1 किलो दूध तपने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले, वो भी इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था। तो पहले अब हम बनाते हैं मैंगो फिरनी। तो मैंगो फिरनी बनाने के लिए पहले हम ये चावल का पानी निथार के और इसको पीसेंगे। अब मैंने ये जो चावल है इसको दरदरा पीस लिया है, ये देखिए इस तरह से दरदरा पीस लिया मैंने, ये दरदरा पीस लिया है। और इसमें पहले एक बार तो बिना किसी पानी या कुछ भी डाले, दूध डाले पीसा था, फिर बाद में थोड़े चावल रह गए थे तो मैंने इसमें दूध की मलाई डाली है, और वो दूध की मलाई डाल के पीसा है। तो अब चलिए अब हम बनाते हैं मैंगो फिरनी। अब ये जो हमने पीसा है चावल वो इसमें हम डालेंगे। आंच को मैंने धीमा कर दिया है, ये पूरा पल्प इसमें इसका हम डालेंगे, क्योंकि इसको खीर के ना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि खीर में तो चावल खड़े चावल ही डालते हैं हम, और फिरनी में ज़रूर पीस के डालते हैं। तो ये अब इसको हम हिलाएंगे और हिला के और लगातार हिलाएंगे और गैस को तेज करके लगातार इसको चलाएंगे। और ये इसमें थोड़ा सा ये जो बचा हुआ है इसमें थोड़ा सा ये वाला दूध डाल के इसको भी धो लेती हूँ। ये मैंने जार को धो लिया है दूध से। अब ये खीर उबलते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं और ये गाढ़ी हो रही है, बिल्कुल अच्छी हो गई है गाढ़ी, बढ़िया। और अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। इसमें 1 किलो में हमने 100 ग्राम शक्कर डाली है, तो ऐसे समझ में नहीं आए तो एक मुट्ठी शक्कर मतलब कि 50 ग्राम, और दो मुट्ठी शक्कर आप मुट्ठी से ले लीजिए ऐसे मुट्ठी भर के अच्छी, तो 1 किलो में दो मुट्ठी शक्कर, और खीर में हम लोग 1 किलो में 50 ग्राम शक्कर डालते हैं। तो ये इस तरह से अब जल्दी से हम इसको थोड़ा सा और उठा लेंगे। हमने शक्कर डाली इसके इसलिए इसको लगातार चलाना पड़ेगा, और जब तक शक्कर का पानी अच्छे से टूट नहीं जाता तब तक अच्छे से 5 मिनट तक खूब अच्छे से उबालेंगे और लगातार चलाएंगे। और ये जो डालने से पहले जो हमने चावल पीसे थे तो उसमें थोड़ा दूध गरम डाल के और उसको घोल लेना चाहिए, और अगर आप ऐसे ही डाल दोगे ठंडा ठंडा तो उसमें लम्स पड़ जाते, तो इसलिए ये टिप्स आप याद रखिए। शक्कर का पानी टूट गया है और हमारी ये जो फिरनी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा तब दूसरे बाउल में निकाल के इसको पूरी तरह से ठंडा करेंगे। अब ये हमारा आधा घंटा हो गया है और हमने इसको पंखे में ठंडा कर लिया है, और ये बिल्कुल अच्छे से हमारी फिरनी तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, ये कितनी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम ये जो आम का दो आम का पल्प है ये मिलाएंगे। कभी भी गरम फिरनी में अगर आप आम का पल्प मिलाएंगे तो ये मतलब दूध भी फट जाएगा और इतना अच्छा स्वाद नहीं रहेगा, इसलिए पूरी ठंडी हो जाए आपकी फिरनी, इसके बाद फिर आप इसमें ये आम का पल्प मिलाएं। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये फिरनी बनाना बहुत आसान है और ये बनती भी जल्दी है, लेकिन ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, तो बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तब आप इसको इसमें आम का पल्प डालें। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया हमारा ये।
फिर निका, और ये मसाला है इसमें केसर इलायची और सब ड्राई फ्रूट से डले हुए, ये मैं इसमें मिला रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें इलायची वगैरह है, केसर है, तो और अगर कोई फ्लेवर नहीं डालना चाहे तो कुछ भी ना डालें, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अब इसको फ्रीज में थोड़ा ठंडा करके और फिर आप इसको सर्व करना। अब इसमें हम ये थोड़े से आम के पीस डाल देते हैं। बीच बीच में जब आम के पीस खाने में आते हैं तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, और ये केसर आम है इसलिए ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट भी लगते हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा रहता है केसर आम का। तो ये इस तरह से आप फिरनी बनाइए और खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए, और कोई मेहमान आ जाए तो उनको भी आप खिला सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा पिस्ता डाल देती हूँ। ये देखिए हमारी फिरनी तैयार है, मैंगो फिरनी। तो यदि आपको मेरा मैंगो फिरनी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।